हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे स्टेयर केस वायरिंग कैसे करते हैं, सीढ़ी वायरिंग किस प्रकार करें। तो चलिए दोस्तों चालू करते हैं। सबसे पहले दो टूए स्विच लेंगे। टूए स्विच के निचले भाग में एक वायर लेके टर्मिनल में लगा देंगे, सबसे नीचे वाले पॉइंट में। फिर उसी वायर को दूसरे टूए स्विच के सबसे नीचे वाले पॉइंट में लगा करके टाइट कर देंगे उसको। मैं इसको लगा लेता हूँ दोस्तों। फिर एक और वायर का टुकड़ा लेंगे, उसको स्विच के ऊपरी हिस्से के टर्मिनल में लगाएंगे दोस्तों। पहले स्विच के टर्मिनल में लगा के अच्छे से उसको टाइट कर देंगे। ये टाइट हो गया दोस्तों। उसी वायर को दूसरे स्विच के टर्मिनल के ऊपरी हिस्से में टाइट कर देंगे दोस्तों। उसको लगा देता हूँ मैं। ये दोनों वायर हमारे टूए स्विच में लग गया दोस्तों। हम अच्छी तरीके से उसको लगा लिए हैं। फिर एक होल्डर लेंगे, होल्डर के दोनों टर्मिनल में वायर लगा लिया हूँ मैं, और होल्डर का जो केप है उसको हम लगा देंगे। केप को लगाने के बाद जो हमारा होल्डर का वायर है उसमें से एक वायर को हम टूए स्विच के सेंटर पॉइंट में लगा देंगे, बीच में दोस्तों, एक स्विच के बीच में लगा देंगे उसको। ये हमारा स्विच का वायरिंग हो गया दोस्तों। एक और वायर ले लेता हूँ मैं, रेड कलर का, फेज के लिए। इसको हम जो दूसरा स्विच का सेंटर टर्मिनल बचा है बीच वाला, उसमें लगा के अच्छे से टाइट कर देता हूँ। ये हमारा फेज रहेगा दोस्तों। और जो न्यूट्रल है हमारे होल्डर का नीले कलर का, उसमें मैं एक ब्लैक कलर का वायर लेके उसमें ज्वाइन कर देता हूँ दोस्तों। हमारा जो होल्डर का न्यूट्रल पॉइंट है वो स्विच में नहीं लगेगा दोस्तों, वो डायरेक्ट रहेगा। ये हमारा वायरिंग पूरा हो गया दोस्तों। अब मैं एक बल्ब ले लेता हूँ और आप लोगों को चेक करके दिखाता हूँ दोस्तों। जैसे हम सीढ़ी में जा रहे हैं, नीचे से चालू करेंगे तो ऊपर से मैं बंद कर लेंगे, और जैसे कि हमको ऊपर से आना है तो ऊपर से चालू कर लेंगे और नीचे में आके बंद कर देंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों।